एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड दर्ज की गई है। कोहरे और शीतलहर से परेशान हो चुके हैं लोग, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। फोग की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। शीतलहर के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो घने कोहरे की चपेट में आ गए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। कोहरे से सड़क यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। पहाड़ों में प्रचंड ठंड के चलते आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, मैदानी इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रखी है। और उसी के साथ तमाम तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें धुंधली नजर आ रही है। और आज सड़कों पर भी स्थिति कुछ इस तरह की है। कोहरा होने की वजह से, कोहरे के सफेद चादर के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य होती नजर आ रही है। अब देखिए, इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उसको लेकर भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई हैं। बहादुरगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं, रेवाड़ी से तस्वीरें सामने आई हैं, सोनीपत से तस्वीरें सामने आई हैं, अंबारा से तस्वीरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर चारों तस्वीरें एक समान नजर आती हैं, जिसमें कोहरे की सफेद चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है, यानी कि बढ़ती धुंध का कहर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसके अलावा तमाम दूसरी ऐसी जगहें हैं जहां पर कोहरे के कारण लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब देखिए, इसमें यातायात का सबसे ज्यादा प्रभावित होना इसीलिए संभव माना जा सकता है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामकाज के लिए जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो मैक्सिमम टाइम सुबह का समय जब लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं तो उस वक्त विजिबिलिटी सबसे कम रहती है। और विजिबिलिटी कम होने की वजह से समय ज्यादा लग रहा है दुर्घटनाओं से बचा जाए, उसके लिए लोग रिफ्लेक्टर ऑन कर सड़कों में अपने वाहन चलाने के लिए मजबूर हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत नजर आ रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि प्रचंड ठंड से बचने के लिए या फिर अपने यातायात को अपने और ज्यादा मददगार बनाने के लिए या और ज्यादा आसान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर भी लगातार तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि लोग कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अगर काम के लिए निकल भी रहे हैं तो कैसे अपने वाहन को लेकर निकल पा रहे हैं, क्या परेशानियां उनके सामने आ रही है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिहाड़ी पेशा लोग हैं उनके लिए कितनी मुसीबत सामने आ रही है, उसको लेकर भी तमाम जानकारी आपको देंगे।